नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में जो हम प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम के बारे में आज बात करने वाले हैं और हम यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं। तो प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम क्या है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों जो प्राइमरी बीम क्या होती है, एक तो वो मेन बीम होती है। प्राइमरी बीम दो टाइप में हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर सामने है वो पहले बता दूँ। अभी देखिए जो प्राइमरी बीम होती है वो एक तो कॉलम से लेकर इधर से, जैसे कि एक कॉलम को लेकर एंकरिंग करके सीधी गई हुई है और नेक्स्ट कॉलम के पास में एंकरिंग की गई है, तो इसको प्राइमरी बीम हो गई। ठीक है, ये पूरी प्राइमरी बीम है। अभी ये जो मेरी प्राइमरी बीम जो है वो है, इसमें साइड लंब दो टाइप के साइड लंब है। एक है साइड लंब जो अपना एक लंब है, तो इस लंब बीम में क्या है, एक साइड लंब बीम है और एक अपवर्ड लंब बीम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बीम होती है उसी बीम के जो साइजेस हो कम्प्लीटली पूरी मतलब यहाँ फिक्सिंग करके दिया जाता है। जैसे देखिए ये जो हमारा एक बीम है पूरा मेन बीम, उसके साथ में जो यानी जो अपवर्ड चाहिए ये बीम को रेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर इसके लिए हम एक्स्ट्रा अपवर्ड लंब दिया हुआ है, इसलिए वो थ्रू आउट ले चुका है। जैसे सेम इसका जो मेजरमेंट है, इसका जो डाया है वही सेम डाया इधर पे है, यानी एज पर जो अपना ड्राइंग है उसके हिसाब से हमने ये अपवर्ड लंब लिया हुआ है। और साइड लंब जो है यहाँ पर, तो यहाँ जो क्या है, जो टॉयलेट या बाथरूम एरिया है इसके लिए यहाँ उन्होंने एक डिजाइन किया गया है। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर मेन बीम जो है प्राइमरी वो मेन है, उसके बाद में यहाँ पर एक साइड लंब भी बीम बराबर है। ठीक है, अभी हमारी मेन बात हो रही थी प्राइमरी बीम। अभी ये प्राइमरी बीम सीधा यहाँ पे आके रेस्ट हो रही है दोनों कॉलम के ऊपर। अभी ये होती है प्राइमरी बीम। ठीक है, दो टाइप की प्राइमरी बीम कैसी होती है वो पहले क्लियर कर रहा हूँ। एक तो ये हो गई कॉलम टू कॉलम पे अपने रेस्ट होने वाली प्राइमरी बीम। दूसरी बात क्या होती है, जैसे अभी यहाँ पर कोई सेकेंडरी बीम आ रही है, ठीक है ना, जैसे कि ये सेकेंडरी बीम आई हुई है और यहाँ पर ये प्राइमरी बीम, यहाँ पर जाके कॉलम है उसको, वहां से ये बीम के ऊपर भी दो सेकेंडरी बीम है। ठीक है ना, और इस ये भी हमारे यहाँ पर आएंगे तो ये जो प्राइमरी है मेन वाला उसके ऊपर ये प्राइमरी सेकेंडरी बन रही है। क्यों सेकेंडरी बन रही है, क्योंकि यहाँ जो है लोड जो ये बीम मेन बीम ले रही है, दोनों कॉलम को लेके जाए गई हुई उसको मेन प्राइमरी बीम है और उसके ऊपर ये रेस्ट करने वाली जो भी बीम होती है तो उसको सेकेंडरी बीम बोलते हैं। तो हमारा सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम का जो जंक्शन होता है, एक्चुअल में जंक्शन जो ऐसा होता है, देखिए साइड सेक्शन, जैसे कि मैं आपको यहाँ मोबाइल करके दिखा देता हूँ, देखिए ऐसे सेक्शन निकालेंगे ना आप बराबर। तो इस सेक्शन में हमें क्या क्या दिखता है, देखिए अभी जैसे मेन प्राइमरी, देखिए यहाँ बॉटम का आपको पहले दिखाता हूँ या टॉप का पहले दिखाता हूँ, जो भी आपको, जैसे अभी टॉप लेवल सेम होती है। ठीक है, तो टॉप लेवल में क्या होता है, इसका जो बार होते हैं ये प्राइमरी बीम के बार पहले दिखने चाहिए और सेकेंडरी बीम होती है वो एंकरिंग उसके ऊपर होनी चाहिए रेस्ट करना। जैसे ये रेस्ट किया हुआ है, ये प्राइमरी बीम के बार जो होते हैं वो नीचे होने चाहिए, उसके ऊपर में रेस्ट करनी चाहिए सेकेंडरी बीम, यानी ये सेकेंडरी बीम है उसके ऊपर में रेस्ट कर रही है। उसके भी एक्स्ट्रा बार है, ये हमारे एक्स्ट्रा बार होते हैं जो US बोलते हैं इसको। तो ये जो एक्स्ट्रा बार जो है हमारा L/3 L/4 जो होते हैं, तो इसके जो यहाँ ग्रेट लाइन LD होती है, तो इसके जो हमारे जो एंकरिंग होते हैं वो सेकेंड लेयर में बैठती है। यहाँ पर अभी फिलहाल टेम्पररी फिक्स किया है, तो ये भी हमारा इसके ऊपर में रहते हैं, ये वो सेकेंडली यानी इसके नीचे में एक पिन रख के हमारे यहाँ रेस्ट किया जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, ये हमारा सेकेंड लेयर जो सेकेंड लेयर बीम है और प्राइमरी बीम है, ये इसके रेस्ट करने के जंक्शन जो है टॉप के ऐसे है। ठीक है, अभी सेम इसके बॉटम के कैसे होंगे, देखिए फर्स्ट जो होंगे वो प्राइमरी बीम के, यहाँ पर देखिए जो दिख रहे ये प्राइमरी बीम है, ये प्राइमरी बीम के ऊपर में सेकेंडरी बीम का मेन बार। ठीक है, उसके बाद में यहाँ कर्टल बार प्राइमरी बीम के फर्स्ट, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार होंगे तो इसके जो है वो उसके ऊपर में, यानी जो मेन जो भार लेने वाला है कोई भी, जैसे कि अपना एक प्राइमरी क्या होता है, सबका लोड सहने वाला जो बीम होती है उसको प्राइमरी लेयर बोलते हैं, और जो सेकेंड लेयर जो अपना भार दूसरे के ऊपर छोड़ रहा है, ठीक है, वो खुद नहीं ले पा रहा है, इसके लिए वो सेकेंड फर्स्ट प्राइमरी बीम के ऊपर ले रही है, इसके लिए उसको सेकेंडरी बीम कहते हैं। ठीक है, ये अपने भी नॉर्मल में कॉमन
जो याद रखने के लिए ये बता रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पर लिया के हिसाब से तो बता दिया, आपको नॉर्मल सा यहाँ पर भी देखिए, अभी देखिए इसका तो क्लियर हो गया है, जो हमारा मेन बीम था इसके ऊपर सेकेंडरी बीम हो गया, फिर यही सेकेंडरी बीम यहाँ पर आके प्राइमरी बीम बन रहा है। प्राइमरी बीम बनने का कारण क्या है, ये दो बीम रेस्ट हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये जो है वहाँ पर कॉलम जंक्शन में इसको जाके रेस्ट हो रही है, और ये जो है यहाँ पर आके प्राइमरी बीम के ऊपर में ये सेकेंडरी बीम होकर रेस्ट हो रही है। अभी यहाँ पर इसको इधर से इधर आएगा तो ये हमारी प्राइमरी बीम बन गया अभी, ठीक है, प्राइमरी बीम हो गई है। इसके ऊपर में अभी ये दूसरी बीम जो रेस्ट कर रही है, क्योंकि वहाँ वाल है, वाल को रेटिंग क्लियर है, लेकिन यहाँ पर जगह तो सपोर्ट लेने के लिए ये बीम के लिए कोई नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आके देखिए इसका टॉप जो बार है वो हमारा इस प्राइमरी बीम, ये प्राइमरी बीम बन गई, क्योंकि इसको हम यहाँ नीचे डालते हैं तो यहाँ से सरिया नीचे गिर जाता है, एक ही साइज है, ठीक है। तो इसको लोड जो है, इसके लोड लेने की अकेले की खड़ा मतलब कैपेसिटी है क्या अकेले की, नहीं है। तो ये प्राइमरी बीम के ऊपर रेस्ट करेगी तब ये लोड ले पाएंगे, इसके लिए इसको सेकेंडरी बीम बोलते हैं और उसके प्राइमरी बीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जंक्शन है, टॉप का जंक्शन सेम टू सेम है, देखिए प्राइमरी बीम का बार नीचे, उसके ऊपर सेकेंडरी बीम, और यूएस के लिए जो एक्स्ट्रा बार है वो भी नीचे है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम, बॉटम का देखिए मेन प्राइमरी बीम पहला है, प्राइमरी बीम का पहले बार बांधने के बाद में उसके बाद में वो मेन बीम जो सेकेंडरी बीम है उसका मेन बार इधर ऊपर में, उसका एक्स्ट्रा बार जो है उसके ऊपर में, ठीक है। ये ऐसा होता है जंक्शन, ठीक है। उसके बाद में इस बीम में जो है रेस्ट जो करते हैं, इसकी जो एंकरिंग लेंथ होती है, अभी जहाँ पर ये एंकरिंग लेंथ होती है, तो यहाँ जो एंकरिंग लेंथ जो एज पर कॉन्क्रीट के सेक्शन के हिसाब से जो एंकरिंग लेंथ होगी ना, उतनी हमको एंकरिंग करनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये एक बात क्लियर हो गई। उसके बाद वहाँ आके जो कि देखिए वहाँ पर भी एंकरिंग है, उसका भी जो प्राइमरी जो एंकरिंग है वो एंकरिंग लेंथ जहाँ लेना चाहिए उतना जो हमारा कॉन्क्रीट मतलब ड्राॅइंग में है उतना तो हमको लेना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा देखो सिंपली याद रखना चाहिए, जो भी बीम अपना बाहर सह नहीं सकती है और दूसरे के ऊपर रेस्ट करती है उस बीम को हमें सेकेंडरी बीम कहते हैं, और जो अपना भार लेके दूसरे का भी भार सह लेती है उसको हम प्राइमरी बीम बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी बीम क्या करती है, अपना भार खुद संभालती है, खुद दोनों कॉलम के ऊपर लेके दूसरे का भी भार सह लेती है उसको प्राइमरी बीम बोलते हैं, और जो बीम अपना भार खुद नहीं सह लेती है दूसरे के ऊपर देती है मतलब भार अपना ये करने के लिए पकड़ने के लिए तो उसको सेकेंडरी बीम, क्योंकि इसको कोई कॉलम जो एक तो मेन होता है कॉलम, अभी कॉलम नहीं है तो इसका भार कौन लेने वाला है, वो दूसरा बीम लेने वाला है, तो इसको सेकेंडरी बीम इसके लिए बोला जाता है, क्योंकि खुद का भार अपन खुद ले नहीं सकते इसके लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू सो मच दोस्तों।